नमस्कार दोस्तों, एक तरह रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम क्रीमी क्रीमी बिना गैस जलाए टेस्टी कुल्फी। हाँ फ्रेंड, जब भी बच्चों का या बड़ों का किसी का भी मन करे तो ये बिना गैस जलाई ये टेस्टी सी कुल्फी आप घर में बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी घर में मौजूद सामान से। चलिए तो फिर ये क्रीमी क्रीमी कुल्फी कैसे बनाई जाती है देख लेते हैं। जिसके लिए हम एक बड़ा बाउल लेंगे, उसके अंदर डाल देंगे एक कप दूध। तो फ्रेंड, मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, दूध जो है वो ठंडा है। आधा कप मिल्क पाउडर डाल देंगे, मैंने एवरीडे का मिल्क पाउडर यूज़ किया है। और पिसी हुई शुगर डाल देंगे आधा कप। शुगर को मैंने मिक्सी जार में डालकर इसे अच्छे से पीस लिया है। अब विस्कर की सहायता से तीनों चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना रहे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कार्डमम एसेंस या फिर आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। 3 से 4 बूंदे डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने कुछ केसर के धागे भिगो रखे थे वो डाल देंगे। केसर के धागे डालना पूरी तरह ऑप्शनल है। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्का सा कलर के लिए मैंने केसर के धागे का यूज़ किया है फ्रेंड, आप इसके अंदर फूड कलर भी डाल सकते हैं। तो देखिए हल्का सा कलर इसके ऊपर आ गया है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 3 चम्मच फ्रेश मलाई। 4 से 5 चम्मच भी आप इसके अंदर मलाई का यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान रहे पर फ्रेश होनी चाहिए, खट्टी नहीं होनी चाहिए। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे या फिर आप इसके अंदर अमूल क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं। 4 से 5 चम्मच आप अमूल क्रीम भी डाल सकते हैं। तो अब देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब हम इसके अंदर कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे जिसमें काजू पिस्ता और बादाम है। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए कुल्फी जमाने का हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम इसे मोल्ड के अंदर भर लेंगे। तो कुल्फी सेट करने के लिए आप कोई सा भी मोल्ड ले सकते हैं, कांच के गिलास ले सकते हैं, कांच के कप ले सकते हैं। मैंने ये एल्युमिनियम के मोल्ड लिए हैं, ये बाज़ार में बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। या फिर ऐसे कप आते हैं कागज़ के कॉफ़ी वाले, उसमें भी आप इन्हें सेट कर सकते हैं। तो देखिए अब हम ये मिक्सचर डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने सभी मोल्ड भर लिए हैं, इसके ढक्कन लगा देंगे। अगर आपके पास ऐसे ढक्कन नहीं है या ये ऐसे मोल्ड नहीं है तो आप फॉल पेपर लगा सकते हैं और ऐसे भी इसमें के अंदर ठंडी हवा नहीं जाएगी। अब हम इसे 8 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे, जैसे मैंने इस कप पे फॉल पेपर लगाया है। तो 8 घंटे बाद हम इसे वापस से चेक करेंगे। देखिए आज कुल्फी जो है हमारी अच्छे से सेट हो गई है। आप पानी में कुछ सेकंड के अंदर घुमाकर कुल्फी को निकाल सकते हैं, पर हाथों की गर्मी से ये बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो एक कुल्फी लेंगे और इसे खोल लेंगे। देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गई है, हाथों से इस तरह से रब करेंगे, बहुत ही जल्दी निकल जाती है। और एकदम क्रीमी क्रीमी कुल्फी हमारी बनकर तैयार हुई है। देखिए कितनी सुंदर दिख रही है। और इसे हम प्लेट में रख लेंगे। जितनी कुल्फी आपको खानी हो उस हिसाब से आप निकाल लें, बाकी फ्रीज़र में रख दें, जब खानी हो तब निकाल लें। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गई है हमारी कुल्फी। बच्चों को जब भी खाना हो तो आप झटपट ये कुल्फी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसे हल्का सा ड्राई फ्रूट से, कटे हुए ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर देंगे, जिससे ये दिखने में सुंदर लगेगी। खाने में तो बहुत टेस्टी है, आप बनाएंगे खाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कुल्फी कितनी टेस्टी बनी है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस कुल्फी की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे एक नई और आसान रेसिपी के साथ। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।